मेरठ की हसीनापुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अर्चना गौतम ने अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत से पहले मेरठ के मंदिरों में पूजा अर्चना की। इस दौरान अर्चना गौतम ने शक्तिपीठ में पूजा अर्चना की। इसके बाद वे ओगरनाथ मंदिर पहुंची और वहां पर बाबा का आशीर्वाद लिया। पूजा अर्चना के बाद अर्चना गौतम ने जय भीम टीवी से मुखातिब होते हुए कहा कि उनकी प्राथमिकता हस्तिनापुर का विकास करना है। उन्होंने कहा कि वे एक महिला होने के नाते महिलाओं के हित की बात भी जीतने के बाद विधानसभा में प्रमुखता से उठाएंगी। देखिए कांग्रेस प्रत्याशी अर्चना गौतम से खास बातचीत में। महाभारत में इस बार कड़ा रोचक मुकाबला होने वाला है, जहां पर एक तरफ बीजेपी है और दूसरी तरफ गठबंधन है, और इस बार महिला प्रत्याशी कांग्रेस से उतारा गया है। आइए जान लेते हैं पहली महिला प्रत्याशी को उतारा गया है, किस तरीके से त्रिकोणीय मुकाबला रहेगा। और आइए बात कर लेते हैं ये कि ओगरनाथ मंदिर में मौजूद है अर्चना गौतम जी, क्या आज किस चीज़ को लेकर आज मंदिर में आ रही हैं? देखिए मैं महाभारत जैसी रणभूमि में मैं जाने की तैयारी कर रही हूँ, बट उससे पहले मैं चाहती हूँ कि जो ये कालीपंड मंदिर है, ओगरनाथ मंदिर है, इनके दर्शन करने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भगवान के बिना कुछ भी नहीं है, सब कुछ अधूरा है। तो मैं अपने क्षेत्र में जाना चाहती हूँ, उस क्षेत्र में जाना चाहती हूँ जहाँ पे पांडवों को इंसाफ नहीं मिला, उस जगह में जाना चाहती हूँ जहाँ से मैं पैदा हुई हूँ और उस वहाँ की बेटी हूँ हस्तिनापुर की। तो उससे पहले मैं एक आशीर्वाद बाबा ये शिव भगवान का, माता शेरावाली का और कृष्ण भगवान का आशीर्वाद लेना चाहती थी। अच्छा, जहाँ महिला है, आप महिला प्रत्याशी हैं, महिला की बात की जाए तो किस तरीके से महिला के लिए काम करेंगे आप? देखिए मेरा और हमारी पार्टी का जो मुद्दा है, जो प्रियंका दीदी का मुद्दा है, वो यही है कि जितनी भी महिलाएं आगे बढ़ना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, उनको रोका जा रहा है। ये क्यों, ऐसा क्यों समाज कर रही है? तो उनको आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने के लिए मुझे आगे आना होगा और महिलाओं को आगे लाना होगा, क्योंकि एक लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। अच्छा, एक तरीके से बात जान लेने, कल हम लोग हस्तिनापुर सीट पे गए थे, वहाँ पे काफ़ी सड़कें जो ख़राब हैं और काफ़ी लोग भी नाराज़ हैं, भाजपा सरकार यहाँ पे इस टाइम सत्ता के अंदर है, क्या कहना चाहते हैं इसके लिए? जी देखिए, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आपकी यूपी में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, और यहाँ तक कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बोलती, जहाँ से मैं इलेक्शन लड़ने वाली हूँ वहाँ पे भी आपकी सरकार है, तो आपने क्यों नहीं ग्रोथ किया, क्यों नहीं विकास किया? आपने मतलब रोड का निर्माण नहीं किया। अभी मैं गई थी सर्वे करने के लिए, तो वहाँ पे ना बांध होता है, बांध में मतलब हर साल बाढ़ आती है और हर साल बाढ़ में खेती बर्बाद हो जाती है। वहाँ पे एक रोड है जो कि नदी तक जाती है, वो पूरा टूट चुकी है, बह चुकी है, और जो गाड़ियाँ होती हैं वो सारी नीचे दब गई हैं। तो आप कैसा काम करा रहे हैं, मतलब कोई विकास कुछ भी नहीं है। तो आपको कहने का मतलब है जो बांध का पानी आता है उससे किसान लोग भी नाराज़ हैं? बिल्कुल नाराज़ है, किसान भी नाराज़ है, और जो खेती, जो किसान भाई मेरे खेती करते हैं वो सब नाराज़ है। वहाँ पर रोज़गार नाराज़ है, जो युवा है वो ही नाराज़ है, क्योंकि उनको रोज़गार ही नहीं मिल पा रहा है, महिलाओं को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, और जो मेरी बहनें हैं उनको पढ़ाई का साधन ही नहीं है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये बताइए मंदिर में दर्शन करने के बाद जीत के लिए कितनी आश्वस्त है आप? देखिए मुझे आज बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। आज मैंने माता रानी के दर्शन किए हैं, भोलेनाथ के दर्शन किए हैं, और उधर पीछे 8045 में जो जंग, हाँ 1857 में जो हमारे क्रांतिकारियों ने जो रक्त दिया था, उसका जो एक कुआं बना हुआ है, वह स्मारक बना हुआ है, वो मैंने देखा, और उसे देख के मुझे बहुत ज़्यादा प्रशंसा हुई कि आज भी ऐसे क्रांतिकारी हमारे देश में हैं। देखिए अर्चना गौतम जी से बात की है, 1857 की क्रांति पे जो यहाँ पर इन्होंने सिद्धांजलि को नमन किया है, और उसके बाद में बताना चाहूँगा कि अर्चना गौतम जो है हस्तिनापुर से कांग्रेस की प्रत्याशी हैं और अपनी जीत का दावा कर रही हैं, लगातार जीत का दावा बनाए हुए हैं, और आज मंदिर के अंदर सबसे पहले इन्होंने अन्नपूर्णा माता के मंदिर में दर्शन किए, उसके बाद ओगरनाथ मंदिर में दर्शन किए। लगातार देखिए, अब हमारा जय भीम टीवी चैनल आपको दिखाता रहेगा, आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरठ से आशीष प्रेमी, जय भीम टीवी।